सरकार का बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए उठाया है ये बड़ा कदम। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल में और मैं हूँ आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। हम फिर आपके लेकर आए हैं एक लेटेस्ट और अपडेट न्यूज जो कि निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के बड़े एक्शन प्लान से संबंधित, जो कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए बनाई है एक विशेष योजना। तो क्या पूरी योजना जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय जो कि संबंधित है कमलनाथ के बड़े एक्शन प्लान से, जो कि सरकारी स्कूलों की जो हालत है उनको सुधारने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। तो क्या है वो योजना, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संशोधन के लिए बेहतर उपयोग के लिए शासन एक शाला एक परियोजना का पर काम कर रही है। इंदौर जिले में इसमें 494 विद्यालयों में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। योजनाओं में हाई कोई स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। जिले में शासकीय शालाओं में भवन स्टाफ व संसाधनों की कमी से निपटने में योजना सहायक हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी सरकार अर्थात पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत कुछ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा था, लेकिन इसमें इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि इसमें कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे, सभी स्कूल सुचारू रूप से चलते रहेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व सर्व शिक्षा अभियान का एकीकरण कर यह कवायद पूरी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू करी है। योजना के लिए जरिए अतिशेष शिक्षकों को बेहतर उपयोग करने, शिक्षा विषयवार शिक्षकों की उपयोगिता, शालाओं में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और पढ़ाई लिखाई पर प्रभावी निगरानी कर हो सकेगी। एक परिसर में स्थित सभी शालाओं का विलय कर एक ही परिसर एक शाला में रूप में संचालन किया जाएगा। क्या है योजना और क्या है पूरी व्यवस्था, आइए जानते हैं किस प्रकार से होगी। दोस्तों एक से अधिक स्कूल एक परिसर में संचालित हो रहे हैं, सभी शामिल होंगे। और कौन कौन से हम बता रहे हैं, ऐसी होगी व्यवस्था, क्या होगी व्यवस्था, किस प्रकार की होगी बता रहे हैं। दोस्तों एक से अधिक स्कूल पर एक परिसर में संचालित हो रहे हैं, सभी शामिल होंगे। स्कूलों के खेल परिषद से लेकर अन्य संसाधनों का उपयोग स्कूल के सभी छात्र कर सकेंगे। वही एक रजिस्टर एक बैंक अकाउंट होगा और सभी शालाओं का एक ही टाइम टेबल होगा, अर्थात सभी जितने भी शालाएं लगेंगी अच्छा एक से बारहवीं तक सभी का टाइम टेबल एक ही होगा। एक ही मैनेजमेंट कमेटी पूरी व्यवस्था देखेगी, जो एक मैनेजमेंट कमेटी है वही पूरी व्यवस्था को देखेगी। 341 संस्थाओं के हुए आदेश। दोस्तों जिले में योजना के तहत 494 शालाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 341 के संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। एकीकृत शाला अर्थात एक शाला एक परिषद का हेड संस्था के वरिष्ठ या पदनाम से चुना जाएगा। उसे पूरे परिसर में संचालित सारी संस्थाओं की मॉनिटरिंग करना होगी। वहीं पे 193 के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार। दोस्तों जो बाकी 193 संस्था है उनके लिए कलेक्टर का आदेश अभी बचा हुआ है, उसके आदेश का इंतजार हो रहा है। जिले में 193 संस्थाओं के आदेश जारी होना है, जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर के आदेश का इंतजार है। वैसे भी 31 दिसंबर तक आदेश जारी होने की संभावनाएं जताई गई है। जिले में स्कूलों की संख्या आई जानते हैं। इंदौर के जिलों की संख्या 10,136 प्राइमरी स्कूल है और 573 मिडिल स्कूल है और 161 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल है। वहीं पर एकीकृत शाला के तहत जिले में 494 शाला चिन्हित की गई हैं, इनमें से 341 के आदेश हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक शेष 153 के आदेश भी जारी हो जाएंगे। शासकीय स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए ये योजना बनाई गई है। दर्शकों ये थी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश के सरकार कमलनाथ द्वारा किए गए बड़े एक्शन प्लान संबंधित, जिसमें कि कुछ स्कूलों को मिलाकर एक नई योजना बनाई गई जिसमें कहा गया है एक परिषद और उसमें सारी एक से लेकर 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक पूरी कक्षाएं वहीं पे लगेंगी। तो उसके बारे में हम लोगों को बताया, आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनका लाभ उठा सके। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।